हो रहा है, दैट इज योर एनवायरमेंट, है ना। शॉर्ट फॉर्म होता है मिस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वी कैन टॉक अबाउट द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना। ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो मैंने शुरू में ही बोला था कि बेसिकली व्हाट वी आर स्टडीइंग राइट नाउ, वी आर स्टडीइंग द मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में कुछ कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स हैं और मेनली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भाई तीन चार चीजों पे पूरी मैकेनिक्स बेस्ड है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंट। इसी प्रिंसिपल पे पूरी की पूरी मैकेनिक्स क्या है इसकी आपकी बेस। तो आज हम बात करेंगे कि चूंकि हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ते हैं, मैकेनिक्स बहुत तरह की होती है, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स दैट इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ। तो हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो अब तक जो पढ़ रहे थे ना, वी आर स्टडिंग द काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में व्हाट वी आर स्टडिंग, हम इसमें ज्योमेट्री ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, है ना। काइनेमेटिक्स में हम किसके क्या पढ़ते थे, इसके आपका ज्योमेट्री ऑफ मोशन, है ना भाई। हम कॉज ऑफ मोशन की इसमें बात नहीं करते, भाई कोई मोशन हो रहा है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या सारी चीजें क्या होंगी, है ना, किसी भी नेचर का। जो आपका ये लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है एनएलएम, इसमें हम कॉज ऑफ मोशन के बारे में, जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हो तो वी स्टडी अबाउट द कॉज ऑफ मोशन, है ना। इस काइनेमेटिक्स पूरे चैप्टर में बेसिकली कॉज ऑफ द मोशन के बारे में हमने बात की। एनएलएम का मेन एम यही है कॉज ऑफ मोशन पढ़ने। आपको पता है कि हिस्टोरिकली आपको पता है कि कोई भी चीज रेस्ट से अगर मोशन में आ रही है या अगर मोशन में है और उसको एक्सलरेट हो रही है तो कॉज ऑफ द मोशन बेसिकली फोर्स ही होता है। तो नॉर्मली इस चैप्टर में वी स्टडी अबाउट द फोर्स। एनएलएम का जो बेसिक एम होता है वी स्टडी अबाउट द फोर्स, है ना, केस स्टडी अबाउट फोर्सेस, राइट, एंड इट्स इफेक्ट ऑन बॉडीज, है ना, इट्स इफेक्ट ऑन बॉडी। हम इसमें फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं और बॉडी पे उसका क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ना, कॉज ऑफ द मोशन इज द फोर्स। तो नॉर्मली हम इसके फोर्सेस के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना कि जो फोर्स होता है, तो अगर मैं बात करूँ कि फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ द नेचर कौन से होते हैं, अगर इफ आई टॉक अबाउट द व्हाट इज द फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ द नेचर, कि भाई नेचर में कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं, तो सिर्फ चार होते हैं। कि आपने एनसीईआरटी सबसे पहले चैप्टर में दिया हुआ था, हां, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड, फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर, उसको भी आप जरूर पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग वो जो आर्टिकल है ना। एक्चुअली में जो फिजिकल वर्ल्ड है वो एक किसी का आर्टिकल ही है, वो बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत अच्छा लिखा हुआ। हम फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर की बात करें तो नेचर में चार ही तरह के फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं। पहला जो फोर्स होता है दैट इज योर ग्रेविटेशनल, हाँ, कि पहला जो फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा जो फोर्स होता है दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, हाँ, दूसरा जो फोर्स होता है दिस इज नोन एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा जो फोर्स होता है दैट इज योर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। और चौथा जो फोर्स होता है दैट इज योर वीक न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर नेचर के फंडामेंटल फोर्सेस की हम बात करें तो सिर्फ चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, बाकी जो भी फोर्सेस हम जानते हैं वो इससे डिराइव फोर्सेस, जैसे आप फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव यूनिट पढ़ रहे थे ना, वैसे ये भी चीज है, फंडामेंटल फोर्सेस तो यही है, बाकी इससे डिराइव फंडामेंटली नेचर में सिर्फ चार फोर्सेस होते हैं। और अभी रिसेंट रिसर्च जो चल रहा है उसमें इसको भी यूनिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, भाई इसमें भी आपस में हम लिंक जानने की कोशिश कर रहे हैं, भाई इसमें आपस में क्या लिंक। तो यूनिफिकेशन तो फिजिक्स का ही है कि हम सारी चीजों को यूनिफाई करके एक सिंगल प्रिंसिपल से एड्रेस करना चाहते हैं। जस्ट आपने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ड्यू टू चार्ज, भाई किसी बॉडी में जो चार्ज होगा उसकी वजह से जो फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में जो फोर्स प्रोटॉन को बाइंड करके रखता है उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस से प्रोटॉन प्रोटॉन बाइंडेड होते हैं
तो जिस फोर्स की वजह से प्रोटॉन एंड प्रोटॉन बाइंडेड होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है इट कॉजेस बीटा डीके, है ना, कि रेडियो एक्टिविटी में जो बीटा डीके होता है वो इसकी वजह से होता है, इट कॉजेस बीटा डीके, है ना, कि भाई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में बीटा पार्टिकल इमिट होते हैं, तो जिस फोर्स की वजह से बीटा पार्टिकल इमिट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो चार तरह के फोर्स है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो आप देखो कि ये जो थर्ड एंड फोर्थ फोर्स है ये अभी उतना रिलेवेंट नहीं है ना, इसका रिलेवेंट आता है क्वांटम मैकेनिक्स। जो थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये आपकी न्यूटोनियन मैकेनिक्स को उतना ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है ना, ये हम एक अलग मैकेनिक्स पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, है ना, एटॉमिक लेवल पे जब बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में यह ज्यादा रिलेवेंट है ना। तो आपका जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है ना इसमें सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की हम बात करते हैं, जो भी आप फोर्स एनकाउंटर करोगे वो इसी दो फंडामेंटल फोर्सेस से क्या होते हैं आपके डिराइव, या तो उसका नेचर ग्रेविटेशन होगा या उसका नेचर कैसा होगा जैसे कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये जो दो फोर्सेज हैं मेनली एड्रेस होती है क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में सिर्फ यही दो फोर्सेस क्या होंगे आपके डोमिनेटिंग फोर्सेस। और फिर ध्यान रखना कि आप जो मैकेनिक्स आप पढ़ते हो तो वी टॉक अबाउट द कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स, कि भाई मैकेनिक्स में कौन कौन से कॉमन फोर्सेज आएंगे, सर बीटा डीके क्या है, सर बीटा डीके क्या है, बीटा डीके आप नाम लिख लो बेटा, ये बीटा पार्टिकल डीके होता है, अभी आप समझ नहीं पाओगे कि भाई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से हम बोलते हैं न्यूक्लियर रेडिएशन होता है, रेडिएशन में कुछ पार्टिकल लिखते हैं अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल गामा पार्टिकल, तो बीटा डीके वही बीटा पार्टिकल है ना, कि नॉर्मली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बीटा डीके भी होते हैं, तो बीटा डीके जिसकी वजह से कॉज होता है उसको हम क्या होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन ये फोर्सेस अभी ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, पहले दो फोर्सेस पे ही पढ़ना है। अब हम आते हैं कि चूंकि हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो इस सारे फंडामेंटल फोर्सेस से कुछ डिराइव फोर्सेस होते हैं जो कि इसके ऊपर डिपेंड होंगे, लेकिन उसी को हम बोलते हैं कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, भाई मैकेनिक्स में कौन कौन से कॉमन फोर्सेज हैं, फोर्सेज इन मैकेनिक्स, वी कैन टॉक अबाउट द कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स। कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स जो होगा ना, सबसे पहला जो फोर्स होता है दैट इज योर वेट, है ना, किसी बॉडी का जो होगा वो वेट है ना। दूसरा जो फोर्स होता है कॉमन फोर्सेज मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं टेंशन इन स्प्रिंग, टेंशन फोर्स इन स्प्रिंग, भाई स्प्रिंग में टेंशन फोर्स होता है। तीसरा जो कॉमन फोर्स होता है इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स की दो कैटेगरी होती है, एक तो आपका होता है नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, और दूसरा होता है जैसे कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। तो सिंपल से कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स की अगर बात करें तो वेट आएगा, टेंशन फोर्स इन स्प्रिंग होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, तो जब कोई दो बॉडी कॉन्टैक्ट में आएगी तो कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, तो कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल फोर्स भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो सकता है कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, एंड फोर्थ इसका आ जाएगा वी कैन टॉक अबाउट द स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, हां भाई कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स आपके एक तीन चार तरह के फोर्सेस हम पढ़ते हैं, वेट, टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन एंड स्प्रिंग। इसमें आप देखो वेट का जो फंडामेंटल नेचर होता है इट्स अ काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट एक ग्रेविटेशनल पुल ही तो है, भाई ग्रेविटेशनल फोर्स जो का ही नेचर आपका वेट होता है, बाकी ये सारे फोर्सेस जो हैं चाहे टेंशन हो चाहे कॉन्टैक्ट हो चाहे स्प्रिंग फोर्स हो इसका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, ये जो फोर्स होते हैं ये कौन से फोर्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स थ्योरी है उस पर आपको नहीं जानना है, लेकिन अभी मैंने बोला कि भाई ये दो फोर्स तो वैसे ही रूल आउट हो गए क्योंकि ये तो क्वांटम मैकेनिक्स में आएंगे, उसके अलावा दो ही तो फंडामेंटल फोर्स बच गए, तो आपको पता है वेट ही तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसके अलावा दो जो फोर्स को आप जो भी नाम दे दो अलग अलग नाम मैकेनिक्स में हम उसको बोल सकते हैं, लेकिन फंडामेंटली उसका नेचर कैसा होगा आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर,
फ्रिक्शन इज ऑल्सो ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ फोर्स. आपका नॉर्मल भी वही है, टेंशन भी वही है, स्प्रिंग फोर्स भी है. ये सारे जो फोर्स है इसका जो फंडामेंटल नेचर होगा वो कैसा होगा सकते हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर. लेकिन नॉर्मली हम फंडामेंटल लेवल पे इसकी बात नहीं करते हैं. हम इसको जो डिराइव फॉर्म में आ गया है उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे. वेट, टेंशन, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड आपका स्प्रिंग फोर्स. ये कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ये कॉम्प्लेक्स थ्योरी जिसके पीछे तो पूरा रिसर्च पेपर्स है ना, तो उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते. इसके ऊपर तो पूरे रिसर्च पेपर्स हैं कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है. अब आपको इसी नाम से इसको याद है. अब मेन चीज ये आती है कि जो भी हम फोर्सेस पढ़ रहे हैं ये सारे जो फोर्सेस हैं फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है ना. तो आपको ये थोड़ा सा जानना है कि जो भी फोर्स है इसकी मेन डायरेक्शन क्या हो, है ना. कि अगर ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो जो भी आप पढ़ रहे हो टेंशन, कॉन्टैक्ट फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, आपको मेन जो फोकस करना है इसके डायरेक्शन पे. तो आप ध्यान रखना कि बहुत दिन तक स्टूडेंट्स को इसके डायरेक्शन के बारे में क्लैरिटी नहीं रहती है ना. वो कुछ जानता तो है लेकिन वो बहुत अच्छे से इसको नहीं जानता. अगर इसको आप अच्छे से नहीं जानोगे तो हमेशा डायरेक्शन के बारे में क्या होगा कि आपकी कंफ्यूज है. तो वन बाई वन मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ कि जो ये सारे फोर्सेस हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है एज वेल एज इस किस डायरेक्शन में एक्ट कर. किसी भी बॉडी पे अगर एक्ट कर रहे हैं तो बॉडी पे एक्ट जब करेंगे तो इसकी बेसिकली आपके डायरेक्शन क्या होगा. तो पहले मैं आता हूँ, फिर ये हम सभी जानते हैं कि सबसे पहला जो फोर्स हो गया वो क्या हो गया जैसे आपका वेट. अगर कोई भी बॉडी का अगर मैं वेट डब्ल्यू ले लूँ तो वेट की वैल्यू एम जी इंटू जी तो हो जाएगा. तो मास को अगर हम जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टर्म आएगा वही क्या हो जाएगा जैसे आपका वेट. और जी अगर वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो वेट भी कैसे एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड. वर्टिकली डाउनवर्ड इसकी डायरेक्शन का आसान है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट वर्टिकली राइट डाउनवर्ड है ना. कि भाई जो वेट है उसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी जैसे आपकी वर्टिकली का. पहला फोर्स आ गया वेट. दूसरा जो फोर्स हम बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग फॉर द टेंशन फोर्स इन स्प्रिंग. टेंशन इन स्प्रिंग है ना. कि भाई किसी भी स्प्रिंग में टेंशन क्या होगा तो टेंशन फोर्स को हम टी से शो करते है ना. कि ये टेंशन तो जब भी कोई स्प्रिंग टाइट होगी तो उसमें टेंशन फोर्स ज्यादा होगी. जब भी किसी स्प्रिंग को हम टाइट करेंगे ना स्लैक में टेंशन नहीं होता. जब स्प्रिंग टाइट होगी तो उसमें क्या डेवलप हो जाएगा टेंशन. तो सिंपल सा बोलेंगे टेंशन डेवलप्ड इन टाइट स्प्रिंग. इन टाइट स्प्रिंग भाई कोई भी अगर टाइट स्प्रिंग होगी तो उसमें क्या डेवलप हो जाएगा टेंशन विच इज हूज नेचर इज पुलिंग. हूज नेचर इज पुलिंग भाई ये चीजों को पुल करने का इसका नेचर होता है ना. भाई चीजों को किसी भी स्ट्रेंथ से किसी चीज को पुश थोड़ी कर सकते हैं. हमेशा हम क्या करेंगे पुल करेंगे. एंड इस डायरेक्शन इज अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी. जो भी आप बॉडी लोगे उससे टेंशन फोर्स कैसे करेगा अवेक्ट करेगा. टेंशन डेवलप किसने होगा टाइट स्प्रिंग. इसका नेचर पुलिंग हो और अगर पुलिंग है तो बॉडी से अवेक्ट करेगा. डायरेक्शन इज अलोंग द स्प्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी. सिंपल सा ऐसा है कि आपने क्या किया कि एक इस तरह से कोई स्ट्रिंग ले ली और इस स्ट्रिंग से आपने कोई यहाँ पे बॉब बांधा एम मास. यहाँ पे आपने एम मास पे क्या कर दिया जैसे कि आपका बॉब. तो आपको इस बॉब के फ्री बॉडी डायग्राम में दो फोर्सेस होंगे. एक तो आपका वेट आ जाएगा एम जी और एक टेंशन. टेंशन कैसे एक्ट करेगा जो भी बॉडी है उससे अवेक्ट है ना. स्ट्रिंग की तरह बॉडी से अवेक्ट करता है तो टेंशन जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन इस बॉडी से अवेक्ट होगी टी फोर्स है. अगर स्ट्रिंग टाइट होगी वेट की वजह से तो टाइट हो रही है तो वेट एक्ट करेगा तो इसमें एक टेंशन फोर्स आएगा. और जो भी बॉडी होगी उससे टेंशन फोर्स कैसे एक्ट करता है अवे एक्ट करता है क्योंकि पुलिंग होती है. हम ही बोलेंगे अगर ये इक्विलिब्रियम में है ना तो अवश्य बात है बॉब इक्विलिब्रियम में है ना.
k मूव तो कर नहीं रहा है, तो अगर इक्विलिब्रियम है तो k माइनस mg की वैल्यू जीरो हो जाएगी, नेट फोर्स इसमें जीरो होगा, तो टेंशन की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी वेट, वैसे इसके वेट को कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, टेंशन। तो ये आपका फोर्स आ गया टेंशन इन स्ट्रिंग, पहला वेट जो कि सीधा एक्ट करता है। सर सर टेंशन कभी वेट से ज्यादा नहीं हो सकती? देखो इस केस में नहीं हो सकती, अदरवाइज हो भी सकती, सिंपल केस में तो नहीं हो सकती है ना, वेट से ज्यादा भी हो जाएगी अगर हम कोई फोर्स से एडिशनल फोर्स लगा दे तो वेट से, यस सर, बैलेंस करके जो आता है उसके इक्वल, ओके सर, वो तो आ जाएगा। इस केस में अगर फ्रीली हैंड है तो टी और वेट क्या होंगे आपके, सर इसमें बॉब मूव नहीं करेगा, मतलब जो ये ऑब्जेक्ट है इस तरह से हैंड करेंगे तो मूव कैसे, किसी भी चीज को रूप से अगर मैं बॉब को लटका दूं वो तो एस पे है ना, मूव कहां पे, सर एस पे है, टी के लिए टी इक्वल टू एम जी होगा, हां इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए टेंशन फोर्स इक्वल टू एम जी होगा, हां टेंशन इज इक्वल टू एम जी होगा, बिल्कुल सही, तो द सेल्फ रेजिस्टिंग फोर्स होता है, इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती है, वो अपने आप ही वेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी, को मेंटेन करने के लिए की वैल्यू स्टिक हो जाएगी एम जी। तो ये जस्ट अभी आपको इसमें नहीं सोचना है, ये तो अलग चीज़ हो, जस्ट मैंने बोला है कि डायरेक्शन आप जानते, टेंशन जो होती है जो भी आपका बॉडी होता है उससे अवे एक्ट वेट वर्टिकली डाउन। तीसरा फोर्स जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे दैट इज योर कॉन्टैक्ट फोर्स, यहाँ पे हम जो थर्ड फोर्स की बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्टैक्ट फोर्स, क्या बनता है, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब समझना क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे कोई फ्लोर है ना, इसके ऊपर आपने कोई ब्लॉक रख दिया स्मॉल एम मास का, ये फ्लोर है एंड दिस इज सपोज रफ फ्लोर, ये फ्लोर कैसा है बेसिकली आपका रफ है और इसके ऊपर आपने कोई ब्लॉक कर दिया, तो ये ब्लॉक एंड फ्लोर कॉन्टेक्ट में आ गए ना, तो जब ब्लॉक एंड फ्लोर कॉन्टेक्ट में आएंगे तो उसमें क्या एक्ट करेगा आपका कॉन्टेक्ट, ब्लॉक एंड फ्लोर जब कॉन्टेक्ट में आ गए तो उस टाइम जो इसके ऊपर लगेगा फोर्स वो उसी फोर्स पर क्या होता है आपका कॉन्टेक्ट फोर्स। तो कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में ध्यान रखना कि अगर मैं यहाँ पे कोई फोर्स लगाता हूँ अप्लाइड फोर्स और इसके लिए बॉडी अगर रेस्ट पे मूव नहीं कर रही तो और ज्यादा पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन लग जाएगा, इसके ऊपर क्या लग जाएगा बेसिकली आपका एक फ्रिक्शन है ना, कि जो पीछे की तरफ मैंने फोर्स लगाया है दिस इज अ स्मॉलर इसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शन, एक आपका वेट डाउनवर्ड लग जाएगा हाँ यहाँ पे अजय कर सकिए आपका कि नॉर्मल फोर्स एक्चुअली प्रेसिंग की वजह से होती है, जब भी कोई चीज एक दूसरे को प्रेस करती है तो होता ना तो जब ये वेट नीचे लगेगा तो ये फोर्स को प्रेस करेगा, उस प्रेसिंग की वजह से फोर्स एग्जर्ट हो और उसी फोर्स को हम क्या बोल रहे आपका नॉर्मल, हमें बोलते हैं कि कॉन्टैक्ट की वजह से दो फोर्स है, तो फ्रिक्शन एंड दूसरा आपका एक नॉर्मल फोर्स है, इसके रिजल्टेंट को ही हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना इसी को भी कॉल करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, तो इसमें जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो एन वेक्टर, ये एन वेक्टर क्या है आपका नॉर्मल फोर्स और ये जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, तो हमें बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो जाएगा नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्ट, जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है दिस इज द रिजल्टेंट of
नॉर्मल एंड फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। जब भी दो बॉडी कॉन्टेक्ट में आएगी तो दो तरह के फोर्स कर सकते हैं, एक प्रेसिंग की वजह से उसको नॉर्मल फोर्स बोल रहे हैं, और एक स्लाइडिंग की वजह से, जब स्लाइड करेंगे तो फ्रिक्शन एक्ट करेंगे। तो कॉन्टेक्ट की वजह से दो फोर्स लगते हैं, एक तो नॉर्मल फोर्स और एक आपका फ्रिक्शन फोर्स, उसके रिजल्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका कॉन्टेक्ट, क्या हम उल्टा ही बोल सकते हैं कि कॉन्टेक्ट फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट नॉर्मल है और कॉन्टेक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, कि आपका फ्रिक्शन। तो सिंपल सर, यहाँ पे एक बात आ गई नॉर्मल फोर्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स को हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मेन चीज आती है कि नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो अब देखना, जो नॉर्मल फोर्स होता है ना, नॉर्मल फोर्स इज ए पुशिंग टाइप ऑफ फोर्स, पुशिंग टाइप ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स। भाई जो नॉर्मल फोर्स होगा, इसका जो फंडामेंटल नेचर है चीजों को पुश करने का होगा, जैसे पुलिंग का, तो इसका जो फंडामेंटल नेचर है ये पुशिंग टाइप ऑफ फोर्स है ना। और जो अगर पुशिंग टाइप ऑफ फोर्स है, इट एक्ट परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, एंड टुवर्ड्स द बॉडी, टुवर्ड्स द बॉडी। याद रखना, ये जो नॉर्मल फोर्स होता है, इससे इज ए पुशिंग टाइप ऑफ फोर्स, इट एक्ट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस एंड टुवर्ड्स द बॉडी। भाई ये अगर कॉन्टैक्ट सरफेस है तो नॉर्मल फोर्स इसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, और कॉन्टैक्ट सरफेस से बॉडी की तरफ, किस तरह एक्ट करेगा, कॉन्टैक्ट सरफेस से बॉडी की तरफ, क्योंकि चीजों को पुश करता है ना। तो अगर ये ब्लॉक फ्लोर को पुश कर रहा है, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग फ्लोर भी ब्लॉक को पुश करेगा, तो फ्लोर की वजह से इसके ऊपर जो नॉर्मल रहेगा उसके डायरेक्शन क्या होगा, जैसे आपकी अपवर्ड। तो जिस चीज को भी आप सिस्टम लोगे है ना, नॉर्मल फोर्स उसकी तरफ एक्ट करेगा, हमेशा ये चीज इंपॉर्टेंट है, टुवर्ड्स द बॉडी अंडर कंसिडरेशन ऑफ, बॉडी अंडर कंसिडरेशन। वह जिस चीज को भी आप कंसिडर कर रहे हो उसकी तरफ एक्ट करता है नॉर्मल फोर्स, है ना, क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स का ही वर्टिकल कंपोनेंट है। जैसे अगर मैं किसी केस में ऐसा ले लूं कि यहाँ पे इस तरह से आपका, अगर किसी केस में मैं इस तरह से ऐसा ले लेता हूँ कि ये आपकी कोई वॉल है और ये फ्लोर है ना, और यहाँ पे कोई ब्लॉक ऐसे हम रखा हुआ है, और यहां से हम कोई फोर्स से इसको पुश कर, इसको दबा के रखा हुआ है ना। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें दो जगह पे नॉर्मल कॉन्टेक्ट है ना, एक तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट है और एक यहाँ पे कॉन्टेक्ट, तो दोनों जगह पे नॉर्मल एक्ट करेगा। ये जो नॉर्मल होगा ये अपवर्ड एक्ट करेगा एनवन, फ्लोर का नॉर्मल जो होगा टुवर्ड्स द बॉडी अपवर्ड एक्ट करेगा, और जो वॉल का नॉर्मल होगा, ये अगर वॉल है तो इसका जो नॉर्मल होगा वो राइटवर्ड है। अब देखो, जो भी नॉर्मल है बॉडी की तरफ से लग रहा है, टुवर्ड्स से भी जो नॉर्मल लग रहा है वो बॉडी की तरफ, और जो अपना वॉल से भी जो नॉर्मल लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है, जैसे आपका टुवर्ड्स में कॉन्टैक्ट, तो नॉर्मल लगने से किस तरफ एक्ट करेगा, और कोई दूसरे फोर्स नहीं होगा। जब हम स्ट्रिक्टली कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करेंगे ना, सही बोल रहा आप, सम अदर फोर्स इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें सिर्फ फ्रिक्शन एंड क्या होता है, नॉर्मल होता है। और अगर फ्रिक्शन कहीं पे नहीं, हम कंसिडर कर रहे हैं, फ्रिक्शन नहीं है, तो सिर्फ नॉर्मल फोर्स ही कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। जैसे अगर मैं ऐसा लूँ कि स्मूथ सरफेस, अगर यहाँ पे कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है तो नॉर्मल फोर्स ही को ही हम क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट। हाँ, अगर फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है और ये नॉर्मल फोर्स भी है, तो नॉर्मल एंड फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं आर का मैग्नीट्यूड ले लूँ, तो आर का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर का अंडर रूट है, एन स्क्वायर प्लस, नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन आपको नहीं जानना है, कि जो भी आप बॉडी कंसिडर करोगे नॉर्मल फोर्स हमेशा किस तरफ एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द बॉडी, नॉर्थ से बॉडी की तरफ, वॉल से बॉडी की तरफ। तो ये नॉर्मल की क्या हो जाएगी, जैसे कि आपकी डायरेक्शन। तो मेन चीज आपको ये फोकस करना है
कि नॉर्मल की बेसिक डायरेक्शन है, तो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स द बॉडी, है ना। अब यहाँ फ्रिक्शन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना क्योंकि फ्रिक्शन एक अलग चैप्टर ही है ना, फ्रिक्शन जो है वो एक अलग चैप्टर है। जस्ट आप इसको लिख लो कि फ्रिक्शन भी एक्ट कर सकता है, अगर ये रफ सर्फेस होगा तो फ्रिक्शन भी लगेगा। लेकिन अभी मैं मान के चलूंगा कि सारे सर्फेस जो है वो फ्रिक्शन ले सकते, फ्रिक्शन जो एक अलग टॉपिक है, तो फ्रिक्शन को अभी हम यहाँ छोड़ दें। वैसे आप डायरेक्शन के लिख सकते हो, है ना, कि भाई जो फ्रिक्शन है उसकी डायरेक्शन जो होती है हम यहाँ पैसे लिख सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट अलोंग द कॉन्टैक्ट सर्फेस, अलोंग द कॉन्टैक्ट सर्फेस किस तरह एक्ट करता है, कॉन्टैक्ट सर्फेस के अलोंग, है ना। जैसे ये तो परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट सर्फेस के अलोंग एक्ट करेगा पैरेलल, है ना। एंड इसकी जो डायरेक्शन होती है अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, कॉन्टैक्ट सर्फेस एंड इट्स डायरेक्शन इस डायरेक्शन इज अपोजिट टू रिलेटिव मोशन, मोशन नहीं, मोशन वर्ड बोलना सही नहीं है, अपोजिट टू रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन और इस टेंडेंसी, और इस टेंडेंसी, हाँ, कि जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होती है अलोंग द कॉन्टैक्ट सर्फेस होती है और रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा या उसकी टेंडेंसी को अपोज करेगा। अगर बॉडी मूव नहीं भी कर रही है, जैसे मैंने इस केस में बोला बॉडी कहाँ मूव कर रही है, लेकिन इसकी टेंडेंसी है राइटवर्ड जाने, तो फ्लोर के रिस्पेक्ट में अगर इसकी टेंडेंसी राइटवर्ड जाने की है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा वो किसका बन जाएगा, सकते हैं आपको, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस द नॉट मोशन, अगर आप किसी भी हायर लेवल के इंस्ट्रूमेंट अगर ये बोल दिया आपने कि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द मोशन, वो गलत हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स डज अपोज द रिलेटिव मोशन को नहीं, बल्कि वो रिलेटिव मोशन को क्या करता है, जैसे आपका अपोज। तो ये मैंने फोर फोर्सेस पढ़े, वेट, टेंशन, नॉर्मल एंड फोर्थ आपका फ्रिक्शनल फोर्स, दीज आर द कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स। एक स्प्रिंग फोर्स के बारे में बताते हैं, हाँ बिल्कुल फोर हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, जितने भी कॉन्टेक्ट होंगे, जितने भी कॉन्टेक्ट होंगे उतने नॉर्मल फोर्स लगे, अगर हर तरफ से कॉन्टेक्ट है तो हर तरफ से नॉर्मल लग सकता है, है ना। अगर बॉडी का हर तरफ से कॉन्टेक्ट हो रहा है तो हर तरफ से नॉर्मल, दो चीजें नॉर्मल के लिए जरूरी है, कॉन्टेक्ट एंड प्रेसिंग, प्रेसिंग भी होनी चाहिए, है ना। ध्यान रखना कि अगर मैं यहाँ से फोर्स हटा दूंगा, मोमेंट मैंने यहाँ से फोर्स विड्रॉ किया, प्रेसिंग खत्म हो, अगर प्रेसिंग खत्म होंगे तो नॉर्मल भी खत्म होगा। नॉर्मल फोर्स के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्ट तो होने चाहिए, उसके अलावा प्रेसिंग फोर्स भी होना चाहिए, जैसे इसमें वेट प्रेस करना नहीं चाहिए, है ना। यहाँ पे वेट इज द प्रेसिंग फोर्स, यहाँ पे नॉर्मल लगता है, अप्लाइड फोर्स इज द प्रेसिंग फोर्स, यहाँ पे नॉर्मल, है ना। प्रेसिंग फोर्स एज वेल एज कॉन्टेक्ट दोनों रिक्वायर्ड है किसी भी नॉर्मल फोर्स पे। ये हमने पढ़े फोर फोर्सेस, इसके अंदर आते हैं जो फोर्स होता है वी कॉल इट एज ए स्प्रिंग फोर्स, हां, कि जो फिफ्थ फोर्स है वी कॉल इट एज ए स्प्रिंग फोर्स, यहाँ पे जो फिफ्थ फोर्स है इसको हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं, स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के बारे में हम जानते हैं, है ना, कि जो स्प्रिंग होगा उसका स्ट्रक्चर आपका इस तरह से होगा, जब भी हम स्प्रिंग की बात करेंगे तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, किसी वायर की इस तरह से अगर हम कॉइलिंग करते हैं तो इसी को हम क्या होता है, स्प्रिंग। स्प्रिंग भी अलग से टॉपिक ही है, अभी मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा इसके बारे में, बहुत डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, लाइक फ्रिक्शन अलग टॉपिक है, वैसे स्प्रिंग फोर्स भी एक अलग टॉपिक है। तो इस तरह से जब कॉइलिंग करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं स्प्रिंग। तो जब स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं होता है तो उस टाइम जो उसकी लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं नेचुरल, जो एल नॉट जो है दिस इज नोन एज ए नेचुरल, नेचुरल लेंथ। जब किसी स्प्रिंग में एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं होगा तो दैट लेंथ इज सिंपली नोन एज ए नेचुरल। हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रेच करते हैं, जैसे हम स्ट्रेच करेंगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, दोनों तरफ कोई फोर्स लगा के हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं।
लेंथ सपोज आपकी हो गई एल नॉट प्लस एक्स, है ना, वेयर एक्स इज द इलोंगेशन। एक्सिस में क्या है बेसिकली आपका इलोंगेशन है ना, कि आपने इसको खींचा तो नेचुरल लेंथ इसकी एल नॉट थी, खींचने के बाद उसकी लेंथ कितनी होगी एल नॉट प्लस एक्स। क्या हम कंप्रेस कर सकते थे? कंप्रेस करने के बाद इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, इस तरह से कंप्रेस करेंगे तो ये आपका जो लेंथ होगा वो कम हो जाएगा, ये आपका एल नॉट माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स इज द एलोंगेशन और कंप्रेशन ऑफ लिक्विड। तो जब भी किसी स्प्रिंग को हम इलोंगेट करेंगे या कंप्रेस करेंगे उसमें स्प्रिंग फोर्स है ना, क्योंकि अगर मैं इसको अप्लाइड फोर्स हटा दूं वापस चला जाएगा, तो इसमें क्या डेवलप हो गया बेसिकली आपका एक दोनों एंड में स्प्रिंग, चाहे कंप्रेस करें चाहे इलोंगेट। तो यहाँ पे एक लॉ आता है, दैट लॉ इज नोन एज द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ये बोलता है फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ अगर हम x की स्मॉल वैल्यू ले लें, बहुत ज्यादा नहीं होता है, x की अगर हम स्मॉल वैल्यू ले लें, देन स्प्रिंग फोर्स fs इज, स्प्रिंग फोर्स को f सब्स्टिट्यूशन में आप s लें, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस f। ये होता है मतलब ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिएबल फोर्स। जब तक जो भी वेट वगैरह हम ले रहे थे वो सारे कांस्टेंट थे, लेकिन ये एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको पता ही आप एक्सरसाइज में यूज करते हो, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जितना ज्यादा आप एक्स बढ़ाते जाओगे स्प्रिंग फोर्स उतना बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा आप एक्स कम करोगे कंप्रेशन बढ़ाओगे स्प्रिंग फोर्स उतना बढ़ेगा, और स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस। माइनस साइन क्यों है? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स एक्स के अपोजिट एक्ट है। इस केस में अगर एक्स आउटवर्ड है तो स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा वो अंदर F. इसमें अगर कंप्रेस कर रहा है तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, है ना। माइनस साइन का मतलब यहाँ पे ये है कि स्प्रिंग फोर्स एक्स के कैसे लगता है उसके आपका अपोजिट, तो इसी को हम बोलते हैं हुक्स लॉ। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स स्प्रिंग फोर्स एफएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस। जैसे हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन आएंगे यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगा देंगे, जैसे आप यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन लगाओगे यहाँ पे आप क्या लगा दोगे ये कांस्टेंट। सर स्मॉल वैल्यू ही लिखा है इसको, लॉ में लार्ज वैल्यू के लिए लॉ वैलिड है। स्मॉल मतलब एक्सपेरिमेंटल लॉ है ना, तो एक्सपेरिमेंटल लॉ में स्मॉल के लिए वैलिड है, लार्ज के लिए वैलिड नहीं। मतलब बहुत ज्यादा खींच के उसको सीधा कर दिया तो वैलिड नहीं होगा ना, जब तक उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी रहेगी तभी तक, है ना, जब तक स्प्रिंग में इलास्टिक प्रॉपर्टी रहेगी तभी तक लॉ होगा, तो उसके हम स्मॉल वैल्यू लिखते हैं। इसे कई बार हम बोलते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट, और स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब हो जाएगा विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक में तो हो सकता है, हाँ दोनों हो सकता है, विद इन इलास्टिक लिमिट मतलब एक्स इज यूज फॉर कंप्रेशन एज वेल एज एक्सटेंशन, है ना, दोनों में जब तक उसकी लिमिट इलास्टिक रहे उसका नेचर तब तक ये लॉ वैल्यू। तो जस्ट आपने बोला कि जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स, मतलब जैसे हम प्रोपोर्शनल साइन लगाएंगे यहाँ पे कांस्टेंट लगा माइनस, है ना, ये कांस्टेंट होता है इसी को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना, इसी को कई बार हम नाम देते हैं फोर्स कांस्टेंट, बात एक ही होती है ना। और स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ द स्प्रिंग, है ना, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द स्प्रिंग, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ स्प्रिंग, है ना, हर अलग अलग स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग, वही स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द। और ये माइनस का मतलब मैंने आपको बता दिया, माइनस का मतलब होता है स्प्रिंग फोर्स एट, फोर्स एक्ट अपोजिट टू एक्स, अपोजिट टू एक्स, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसके अपोजिट क्या एक्ट करेगा कि आपके स्प्रिंग फोर्स है, अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहोगे तो स्प्रिंग फोर्स इसको वापस से अपनी पोजीशन में लाना चाहिए,
स्प्रिंग फोर्स एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ द स्प्रिंग डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ स्प्रिंग हम लोग बेटा नेचर ऑफ द स्प्रिंग मतलब किस मटेरियल का बना हुआ है इस मटेरियल में क्या इलास्टिक प्रॉपर्टीज है जिस वायर से आपने बनाया है इसको वो किस मटेरियल का बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है लेंथ कितनी है इसकी है ना डायमीटर कितना है तो इसके ऊपर डिपेंड करता है के क्यूब अगर अच्छा ज्यादा अच्छा स्प्रिंग हो तो ज्यादा वैल्यू होगी केक बिल्कुल सही अगर आपका ज्यादा अच्छा स्प्रिंग है तो उसकी के ज्यादा होगी जितना ज्यादा के है उतना ही ज्यादा अच्छा होगा स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर ज्यादा है तो बेटर नेचर के स्प्रिंग है ना तो मतलब उसको एक्सटेंड करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत है यहाँ से आप के निकाल सकते हो ना के तो हम एक्सपेरिमेंटल निकाल सकते हैं जैसे मुझे निकालना है कि भाई कोई भी स्प्रिंग आपके पास आया है मुझे निकालना है इसका के कितना हो तो मैं इसमें एक वेट हैंग कर दूँ जैसे मैंने यहाँ पे 2 kg का हैंग कर दिया और 2 kg जब मैंने हैंग किया तो मैंने मेजर कर लिया है भाई 2 kg से सिर्फ के 2 cm से नीचे जाता है ना 2 kg जब फोर्स लग रहा था तो इससे कितना नीचे जा रहा है जैसे कि आपका सिर्फ के 2 cm तो मैं बोलूंगा इसका वेट तो नीचे जाएगा वेट तो आपको हो जाएगा 20 Newton mg ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा अगर इक्विलिब्रियम है तो स्प्रिंग फोर्स है ना तो x अगर डाउनवर्ड है तो अपोजिट टू द एक्सिस को लगता है अगर x डाउनवर्ड है तो स्प्रिंग फोर्स किस तरफ लग जाएगा अपोजिट लग जाएगा और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो जो kx की वैल्यू होगी वो 20 Newton हो जाएगी है ना और यहाँ से x आपने सिर्फ 2 cm बोला तो k की वैल्यू आ जाएगी जैसे आपकी 20/2×10⁻¹ में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1000 Newton/m तो एक्सपेरिमेंटली हम स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते हैं कोई भी स्प्रिंग आपको दिया गया चाहे वो पेन की स्प्रिंग ही क्यों ना आप वेट हैंग करके एक्सपेरिमेंटली स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते हैं आप क्या करो स्प्रिंग को ऐसे लटका के उससे कोई भी वेट हैंग कर दो और ये मेजर कर लो कि इससे कितना नीचे जा रहा है सपोज 2 cm नीचे गया वेट नीचे के एक्स ऊपर तभी तो रस पर रहेगा के एक्स इज इक्वल टू 20 आ गया के की वैल्यू 1000 Newton/m हम बोलेंगे स्प्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट है स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना है आपका 1000 Newton/m तो ये जो मतलब है और एक बार जब हम डायरेक्शन शो कर देंगे फिर ये माइनस नहीं लगाए इस माइनस का मतलब डायरेक्शन से तो है एक बार मैंने बोल दिया कि एक्स नीचे है और के एक्स ऊपर है तो सर मैग्नीट्यूड केएक्स ही वेट को क्या कर रहा है जैसे आपका बैलेंस तो ये जस्ट मैंने सर एक्स इज 2 फोर्स होता है इसी पर एक्स इज 2 सेंटीमीटर है ना मैं इसको हैंग कर रहा हूं तो एक्स जो डिस्प्लेस हो रहा है वो 2 सेंटीमीटर है ना मतलब इसको हम ऐसे ही हो सकते कि एक्स 2 मीटर से हो गया 2 मीटर से हो गया फिर तो वो लॉ ही वैलिड है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हुक्स लॉ क्या होता है जैसे कि आपका वैलिड तो 2 सेंटीमीटर है यहाँ से तो यहाँ से 1000 Newton/m आ गया वही से स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना आ गया 1000 Newton/m आप लिख दोगे ऊपर This is the spring constant of the system. बाद में किसी भी numerical को उस spring constant को हम क्या करेंगे use. तो ये 5 forces हमने पढ़े जो कि common forces in mechanics में होते हैं. Mechanics में बार बार यही आएंगे. Weight, tension, normal force, है ना frictional force and last में क्या हो गया जैसे कि आपका spring force. है ना actually में जो आप spring पढ़ते हो ना spring unstretchable लेते हैं या उसको छोड़ दो अभी स्प्रिंग जो है जैसे हम स्प्रिंग ले रहे थे ना वो अनस्ट्रेचेबल होती है ये तो स्प्रिंग है स्प्रिंग तो स्ट्रेची होगी लेकिन कोई स्प्रिंग जैसे जब हम लेते हैं है ना तो ये जो स्प्रिंग होती है दिस इज अनस्ट्रेचेबल अनस्ट्रेचेबल हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि भाई कितना भी हम इसमें वेट हैंग करेंगे स्ट्रेच नहीं होंगे आइडल वैसे तो स्ट्रेच होगी हो तो अगर ये अनस्ट्रेचेबल स्प्रिंग है तो हम बोलते हैं कि भाई स्प्रिंग में तो केएक्स लग गया इस स्प्रिंग में टेंशन लग गया और ये टेंशन किसको बैलेंस कर देगा ना तो सिंपल सा स्प्रिंग स्ट्रेच हो सकता है तो स्ट्रेच हुआ तो एक केएक्स डेवलप हो गया केएक्स ने वेट को बैलेंस कर ये स्प्रिंग अनस्ट्रेचेबल इसका वेट लगेगा वेट को टेंशन डेवलप
है ना, अंडर टेंशन आ जाए और वो टेंशन किसको बैलेंस करेगा, उसकी आपकी वेट। और अगर ये अनस्ट्रेचेबल है तो इसका जो के होगा वो इनफाइनाइट होगा। अगर ये स्प्रिंग अनस्ट्रेचेबल है तो इसका के क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। जैसे स्प्रिंग का तो आपने के निकाला 1000, लेकिन ये स्ट्रेच ही नहीं हो सकते तो उसका के क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। आपको पता है कि भाई आप लिखोगे कि भाई वेट बाई एलोंगेशन, एलोंगेशन तो जीरो है ना, अगर इलॉन्गेशन जीरो होगा तो उसका के क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट। तो अनस्ट्रेचेबल स्प्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट होता है वो इनफाइनाइट है ना, तो इसलिए हम उसकी बात करें स्प्रिंग में कि फोर्स कांस्टेंट की कोई फाइनाइट वैल्यू। ये आपके 5 बेसिक फोर्सेस हैं जो कि बार बार मैकेनिक्स में आएंगे। सर अगर वो अनस्ट्रेचेबल है टेंशन भी जीरो नहीं होना चाहिए? नहीं, टेंशन जीरो नहीं होगा बेटा, अनस्ट्रेचेबल है मतलब उसके लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है, उसमें दूसरे मैकेनिज्म से इंटरनल फोर्स करना पड़ता है। अभी स्ट्रेचेबल होगा तब तो हम के एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अनस्ट्रेचेबल है फिर तो के ही इनफाइनाइट हो गया, के डिफाइंड ही नहीं, तो उसमें फिर हम के एक्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें टेंशन डेवलप होगी, जीरो नहीं होगा, वो कुछ इंटरनल मैकेनिज्म होगा। विद इन इलास्टिक लिमिट मतलब जब तक वो एक्सटेंड होने के बाद वापस आ जाए अपनी जगह पे, एक्सटेंड होने के बाद जब तक वो वापस आ जाएगा तभी तक वो क्या होता है, बेसिकली आपका इलास्टिक, उसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपका विद इन इलास्टिक लिमिट। सो कि अनडिफाइंड होगा या फिर इनफाइनाइट? एक ही चीज होती है, दोनों चीजें एक ही होती है, विद इन इलास्टिक लिमिट। हाँ, सबकी जो यूनिट होती है वो फोर्स की, अगर वो फोर्स है ना तो उसकी यूनिट न्यूटन होगी, लेकिन ये के जो होगा ये न्यूटन पर मीटर, जो फोर्स कांस्टेंट है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स बाय लेंथ है ना, 22 न्यूटन हो गया और ये लेंथ मीटर में आ गया, तो उसकी यूनिट जो होगी न्यूटन पर मीटर। के एक्स जो है, के एक्स फोर्स है, इसकी यूनिट न्यूटन होगी, के की यूनिट न्यूटन बाई एक्स हो जाएगी, ये आपकी न्यूटन पर मीटर विद इन इलास्टिक लिमिट। सर ये हम स्ट्रिंग पर ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें? सर ये सब स्ट्रिंग पर ही अप्लाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, अगर वो स्ट्रेचेबल है तो, यानी स्ट्रेचेबल में तो नहीं, स्ट्रेचेबल है तो सारी चीजें हम स्प्रिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्रिंग स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेच अगर हो सकती है तो स्प्रिंग और वो सेम चीज होंगे ना, अनस्ट्रेचेबल है तो फिर अलग, फिर तो हमें ये फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं करते। स्प्रिंग है ना, जैसे रबड़ है, रबड़ में आप उसको यूज कर लो, लेकिन अभी जो हम स्प्रिंग लेते हैं स्ट्रिक्टली वो अनस्ट्रेचेबल। मैं भी एजुम्पशन बताऊंगा, कुछ एजुम्पशंस लेके हम सारा चीजें पढ़ते हैं। ये 5 फोर्सेस हैं, स्टूडेंट्स को इसके बारे में आइडिया तो सबको होता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस के साथ उसकी डायरेक्शन नहीं था, नॉर्मल फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी कुछ कुछ गेस कर। फोर्स के नॉर्मल फोर्स भी एक टाइप से स्प्रिंग फोर्स हो गया ना, क्योंकि हम किसी को प्रेस कर रहे हैं किसी चीज को, उसकी वजह से आ रहा है नॉर्मल फोर्स। सॉलिड कॉन्टेक्स्ट एक अलग चीज, वो बॉडी टू बॉडी प्रेसिंग, इसमें कोई बॉडी टू बॉडी प्रेसिंग नहीं है, आपको एक्सटर्नल फोर्स से प्रेस करना, अलग नेचर के सारे फोर्स सबको मिक्स है ना, जहां पे जो चीज आ रही है उस पर एसेंस यूज। ये 5 फोर्सेस हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी हम किस तरह से डायरेक्शन लेते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके मैकेनिक्स का सबसे पहला स्टेप आता है। तो पहला स्टेप होता है प्लॉटिंग ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम, प्लॉटिंग ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम है ना, किस तरह से आप फ्री बॉडी डायग्राम में, फ्री बॉडी डायग्राम है, इसी को शॉर्ट में हम बोलते हैं एफबीडी। जब भी कोई मैकेनिक्स में कोई सिचुएशन आएगी तो सबसे पहले उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम है ना, फ्री बॉडी डायग्राम कोई अलग चीज नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम
is a diagram. Is a diagram in which we represent all direct forces acting on it. Yeah, all forces on acting. All forces acting on it with direction. With direction. इसी चीज को हम free word diagram. हाँ, ये actually free word diagram ही था. जिससे आपसे बोला जाएगा किसका free word diagram? तो weight tension किसका free word diagram? इसका बनाओ weight kx free word diagram. तो जब भी किसी डायग्राम में फोर्सेस को डायरेक्शन के साथ शो करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होता है कि आप फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करें. ये आपको आना चाहिए किस तरह से किसी भी सिचुएशन का हम क्या प्लॉट करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम. एज फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम ऐसा ले सकते हैं कि ये तो बहुत सिंपल केस है सर. जैसे कोई कॉम्प्लेक्स केस आपको ऐसा दिया इसमें आसान सी चीज ही है. जैसे मैं अगर आपसे ऐसा बोलूं कि ये कोई दिस ब्लॉक का मास जो है वो कैपिटल एम, इसके ऊपर एक और मास रख दिया आपने, इसका मास स्मॉल एम है, और यहाँ पे आपने एक स्प्रिंग रख दिया. यहाँ पे आपने क्या कनेक्ट कर दिया? एक स्प्रिंग. इधर से हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, है ना? जब फोर्स लगा रहे हैं तो ये एक्स से कंप्रेस हो गया. इतने से कंप्रेस हो गया किसी एक्स से. यहाँ पे सपोज आपकी कोई स्प्रिंग है, यहाँ पे क्या हो सकती है आपकी कोई स्प्रिंग. तो जैसे हम फोर्स यहां से लगाएंगे ना तो यहां से स्प्रिंग कंप्रेस होगी एक्स से और ये स्प्रिंग भी टाइट होगी. स्प्रिंग स्लैक नहीं है बल्कि स्प्रिंग क्या हो गया आपकी टाइट. एंड ऑल सर्फेसेज आर स्मूथ. जो सारे सर्फेसेज हैं वो सारे के सारे सर्फेसेज क्या हैं कि आपके स्मूथ. तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज द प्लॉट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द स्मॉल एम, देखो आपको सबसे मतलब नहीं होता है जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहते हैं उसी से मतलब. हम बोलेंगे स्मॉल एम में कौन कौन से फोर्स, स्मॉल एम में तो सिर्फ दो ही फोर्स होंगे सर. ऑल फोर्सेस आर स्मूथ मतलब इस स्मॉल एम को यहाँ से फ्री करके अलग प्लॉट कर लो. फ्री बॉडी डायग्राम मतलब वही है इस सिस्टम से फ्री करके कहीं अलग बना. अब देखो कौन सा फोर्स लाएंगे, दो ही फोर्स तो लाएंगे. नॉर्मल एम कौन सा है? हां वही नॉर्मल एम जी वेट सिर्फ स्मॉल एम की बात कर रहे हैं ना. मैंने फ्री बॉडी डायग्राम सिर्फ स्मॉल एम की बात की है तो उसको कैपिटल एम का भी कोई मतलब ही नहीं है इस चीज से. हम ये मान के चलते हैं कि फ्रिक्शनलेस, बाद में फ्रिक्शन को भी इंक्लूड करेंगे, है ना? वो सही बोला आपने कि राइट में जो है वो हम इंक्लूड करेंगे. एग्जाम्पल में 2 kg का क्या हुआ? 2 kg का वेट 20 ले तो लिया था बेटा मैंने. आरुषि 2 kg का मैंने 20 वेट ले लिया था. हाँ स्प्रिंग फोर्स डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो जस्ट मैंने ऐसे लिख दिया कि 2 kg आपने हैंग किया था, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 न्यूटन नीचे हो गया ना, जी की वैल्यू 10 लेके, है ना? हाँ ये आपका है ना, तो ये हमें करते हैं. बस ध्यान दो, बस मैं बोल रहा हूँ ये कोई सिस्टम है और इसके ऊपर मैंने लिख रहा है ऑल सर्फेसेस आर स्मूथ. जो सारे सर्फेसेस हैं वो स्मूथ, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं, क्योंकि इन्होंने सही बोला इम्पॉसिबल.
लेकिन अभी फॉरेस्ट क्या होता है, जब हम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, तो शुरू में ही कॉम्प्लिकेटेड चीजों को देखना, आसान से स्टार्ट करके धीरे धीरे उसमें कॉम्प्लेक्स चीजें डालते रहना। जैसे आपने काइनेटिक्स पढ़ा ना, तो 1D पढ़ा, फिर 2D पढ़ा, फिर वेरिएबल एक्सप्रेशन पढ़ा, तो धीरे धीरे उसमें सारी चीजें कॉम्प्लेक्स डालते रहना। वैसे अभी भी फॉर अ टाइम बीइंग सारे सर्फेसेस मैंने कह लिया इसमें। आपसे किसी ने बोला कि प्लॉट द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द स्मॉल एफबीडी ऑफ स्मॉल, तो जब आप स्मॉलम का एफबीडी बनाओगे तो बाकी किसी सर्फ को मतलब नहीं है, स्मॉलम को आप अलग से यहाँ बना लो और सिर्फ स्मॉलम पे कौन सा फोर्स लग रहा है उस पर ध्यान दो, बाकी कहाँ क्या लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं। एक तो वेट लग जाएगा नीचे और एक दूसरा ऊपर की तरफ नॉर्मल लग जाएगा, वेट बढ़ गया नॉर्मल लगता है और ये कॉन्टेक्ट सर्फेस है, कॉन्टेक्ट सर्फेस से बॉडी की तरफ क्या लग जाएगा नॉर्मल, कंप्लीट हो गया था, दिस इज द एफबीडी ऑफ द स्मॉल। अब अगर आपसे कोई पूछे कि प्लॉट द एफबीडी ऑफ कैपिटल है, एफबीडी ऑफ कैपिटल, तो आप कैपिटल एम को फ्री करके वहां से यहां बना लो कैपिटल एम, है ना। आप कैपिटल एम को अगर हम ले रहे हैं तो अब आपको बाकी स्मॉल एम से कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ बात करेंगे किसकी, कैपिटल एम, कि कैपिटल एम में कौन कौन सा फोर्स है। तो आप देखो कैपिटल एम में एक जो हम यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो भाई अपने यहाँ से धक्का दे रहे होंगे, पर सर स्मॉल एम भी तो उसके ऊपर वेट लगा रहा है, अभी सब कुछ आएगा। आपका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है, आपने यहाँ पे कोई फोर्स लगाया प्लस इसका अपना वेट कैपिटल एम, अपना वेट, बाकी के वेट्स को भी हम प्लॉट नहीं करेंगे, अपना वेट प्लस इसमें दो कॉन्ट्रैक्ट दो नॉर्मल फोर्स लगेंगे क्योंकि ये दो जगह पे कॉन्टेक्ट में है ना, सरफेस टू सरफेस कॉन्टेक्ट दो जगह, एक सरफेस टू सरफेस कॉन्टेक्ट यहाँ है और एक सरफेस टू सरफेस कॉन्टेक्ट टू के साथ, इस कॉन्टेक्ट का जो नॉर्मल फोर्स होगा वो डाउनवर्ड है और इस कॉन्टेक्ट का जो नॉर्मल फोर्स होगा कॉन्टेक्ट सरफेस से बॉडी की तरफ, कॉन्टेक्ट सरफेस से बॉडी की तरफ इसका नॉर्मल होगा, है ना। इसी को तो एक्शन रिएक्शन डायरेक्शन समझ नहीं आएगा। ये जैसे कॉन्टेक्ट सरफेस है, अगर आप स्मॉल एम को सिस्टम लोगे तो नॉर्मल फोर्स स्मॉल एम की तरफ रहेगा, अगर आप कैपिटल एम को सिस्टम लोगे तो नॉर्मल फोर्स यही वाला कैपिटल एम की तरफ, नॉर्मल फोर्स हमेशा जिस बॉडी को भी हम सिस्टम लेते हैं जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं उसकी तरफ लग रहा होगा। अगर स्मॉल एम आपका बॉडी है सिस्टम है तो स्मॉल एम देखा, अगर कैपिटल एम है तो उसके हमेशा टूवर्ड्स द बॉडी, तो ही मैंने अलग बना दिया भाई, यहाँ पे जो नॉर्मल होगा इसमें तो एम1 ऊपर लग रहा है, लेकिन उसी का रिएक्शन कैपिटल एम के ऊपर किस तरह जाएगा नॉर्मल, यहाँ पे एम1 डाउनवर्ड, ऊपर जो कॉन्टेक्ट था उसका नॉर्मल डाउनवर्ड लग गया और इस कॉन्टेक्ट का नॉर्मल बॉडी की तरफ लगना है तो एम2 ऊपर। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर, जैसे आपने बोला ना इसका वेट भी तो इसके ऊपर लग रहा है, यस सर, हां लेकिन मैंने वहां पे वेट का प्लॉट नहीं किया क्योंकि मैं n1 बना रहा हूँ, इसके वेट का इफेक्ट इसके ऊपर जो लग रहा है वही तो n1 है। अगर ये रेस्ट पे है तो आप ध्यान दो कि n1 की वैल्यू तो mg के इक्वल हो जाएगी, अगर रेस्ट पे तो n1 और mg इक्वल होंगे ना, तो मैंने जो एंगल बनाया लग तो दोनों रहे हैं ना, हाँ फोर्स तो दोनों लग रहे हैं, पर दोनों क्यों लग रहे हैं, एक ही लगेंगे ना, आप वेट उसका वेट है उसका वेट पे यहाँ क्यों बनाओगे, उसका इफेक्ट आ रहा है इसके, आप ये नहीं बोल रहे हो कि उसका इफेक्ट आ रहा है, इफेक्ट के लिए एंगल बनाया था मैं भाई, वेट इसको प्रेस कर रहा है ना, आपका कहना यही तो है वेट इसको प्रेस कर रहा है, इसको प्रेस का इफेक्ट आ रहा है, तो जो प्रेसिंग हो रही है वो थ्रू एंगल ही तो हो रही है, और फिर सिमिलरली इस कैपिटल एम में ये n2 इक्वल्स टू कैपिटल एम जी होगा, नहीं उसमें ऊपर से n1 भी आ रहा है, अभी उसके उसके बारे में आपको अभी आप करने से कंफ्यूज हो जाओ, अभी आप इक्विलिब्रियम के बारे में मत करो, मैं इसको हटा दूंगा, ये अलग टॉपिक, अभी तो जस्ट आपको
किसी भी बॉडी पे फोर्स की डायरेक्शन बताने और कुछ नहीं, मल्टीपल चीजें लेके चलोगे तो नहीं आएगा। मैंने ये बोला कि स्मॉल एम का मुझे फ्री बॉडी डायग्राम लाना, तो इसको मैंने यहाँ प्लॉट किया। अब ये स्प्रिंग, ये टेंशन सब कैपिटल में लगा हुआ है, इसको तो स्मॉल एम से कोई मतलब है नहीं। तो स्मॉल एम में सिर्फ दो ही फोर्स रहेंगे, इसका अपना वेट और एक इस कॉन्ट्रैक्ट से जो नॉर्मल फोर्स है इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द बस दो ही फोर्स। जब हम कैपिटल एम का बनाएंगे तो एक अप्लाइड फोर्स, एक अपना वेट, सिर्फ अपना वेट ही बनाना है, दूसरे का वेट इसके ऊपर प्लॉट नहीं करना, जो अपना वेट है वही लगेगा। एक ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट का नॉर्मल फोर्स डाउनवर्ड और एक नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट का नॉर्मल फोर्स। अब इन्होंने पूछा कि भाई इसका वेट का इफेक्ट इसके ऊपर आ रहा है वो क्यों, अबे कौन है ये? अभी फिर चैट बॉक्स ऑन कर दूंगा मैं इसे, है ना बेटा। अभी कुछ चीजों के बारे में डिस्कस मत करो, अभी सिर्फ इस पे कंसंट्रेट, आगे वाली चीजें मत करो डिस्कस। क्या कर रहे आपने बोला कि भाई वेट लग गया, अब वही बोला हाँ। अब इन्होंने बोला कि मैं वेट के इस पे ऊपर क्यों नहीं बना, बोल रहा हूँ वेट इसको प्रेसिंग तो कर रहा है, वही प्रेसिंग फोर्स पे N1 है, तो उसका इफेक्ट बनाना है, अपना वेट नहीं बनाना है, उसका इफेक्ट N1 आ गया, N1 मैंने यहाँ बना दिया। तो अगर ना वेट हम फ्री बॉडी डायग्राम में उसी का लेंगे जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना, अगर मैंने स्मॉल एम लिया तो उसी का वेट, कैपिटल एम लिया है तो उसी का वेट, बाकी दूसरे को प्लॉट करेंगे लेकिन मत लिखो, आप नॉर्मल लिखो भाई ये इसको प्रेस कर रहा है, उसी प्रेसिंग फोर्स को हम नॉर्मल यहाँ पे N1 आ गए, और भी फोर्सेस होंगे। आप बताए यहाँ से एक स्ट्रिंग लग रही है, टेंशन लग जाएगा, टेंशन बॉडी से कैसा होगा, अभी अलोंग द स्प्रिंग है ना, अभी स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा। अगर ये चीज लेफ्ट वर्ड कंप्रेस हो रहा है तो इसके ऊपर राइट वर्ड डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, आपके एक स्प्रिंग फोर्स, और वो स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, Kx। आप ध्यान दो ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम है, स्मॉलर में सिर्फ दो फोर्सेस और कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम लाएंगे तो इसमें ये सारे फोर्स। तो अभी आप किसी चीज पे ध्यान रख रखो कि क्या बैलेंस हो रहा है क्या नहीं बैलेंस हो रहा है, अभी जस्ट ये है ये सिस्टम इसके फ्री बॉडी डायग्राम में कौन सा फोर्स, ये सिस्टम इसके फ्री बॉडी डायग्राम में कौन सा फोर्स, तो इसमें ये सारे फोर्सेज होंगे, इसमें ये सारे। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको FBD प्लॉट करके आना चाहिए, ना सबसे फंडामेंटल चीज इसकी ये। सर ये टेंशन फोर्स होता है ना FD में, FDB ऑफ M में कैसे लग रहा है, इसके साथ स्ट्रिंग लगी हुई है कैपिटल M के साथ, और yes, टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द स्ट्रिंग एंड बॉडी से पुलिंग नेचर का होता है ना, बॉडी से लग जाएगा नॉर्मल। लेकिन जब हम डायरेक्शन शो कर देंगे एरो के साथ फिर माइनस नहीं लगा, माइनस लगा मतलब तो नेगेटिव वेक्टर हो गया ना, इस तरह से हम फ्री बॉडी डायग्राम कैपिटल एम पे क्या करते हैं। तो कोई भी सिचुएशन है सबसे पहले आप उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो इस तरह से मैंने इसको फ्री, फ्री का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम से फ्री करके अलग बना लो, इसे इसको अलग करके वहां आपने सिस्टम से इसको फ्री कर फिर देखा कौन कौन सा फोर्स है। तो दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम। कई बार ऐसा भी हो जाएगा जैसे मैंने बोला आपसे कि इस तरह की कोई मैं सिचुएशन ले लेता हूँ, यहाँ पे आपका ये ऐसा
ये कोई वॉल है, ये फ्लोर है, और यहाँ पे कोई रॉड ऐसे रखी हुई, ये कोई रॉड है ना। इस रॉड का मास जो है वो एम, रॉड का मास कितना है, एम है, और ये सारे सरफेस रफ है, दिस इज ऑल्सो रफ, और ये वॉल भी रफ है ना, कहीं कोई स्मूथनेस नहीं आ जाएगा कुछ नहीं। अब अगर आपसे कोई बोले कि आप ऐसा करो प्लॉट द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द रोड, है ना, कि आप क्या बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रोड। तो देखो सबसे पहले तो वेट तो लगेगा ही लगेगा, अर्थ तो पुल करेगी ना, तो वेट जो लगता है इसके सेंटर पे लगेगा। एक सबसे पहले मैंने वेट बना दी। अब इसके बाद आप थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे कॉन्टेक्ट है ना, कॉन्टेक्ट है तो नॉर्मल फोर्स पे लगेगा, है ना, यहाँ पे इस तरह से कॉन्टेक्ट आ रहा है तो कॉन्टेक्ट है तो क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स जो लगेगा यहाँ पे आपको लग जाएगा, क्योंकि ये टेंजेंट है ना, उस पॉइंट पे ये चीज क्या है, टेंजेंट है, तो जो नॉर्मल होगा टेंजेंट के पकड़ने का होगा, एंड बॉडी की तरफ रॉड की तरफ लगे। एक ये भी है, ये भी टेंजेंट है, तो इसके ऊपर एक नॉर्मल इधर से, इधर से एक एनवल लगे, इधर से क्या लगे, इधर से आपका एंगल लगे। अब मेरा मतलब सरफेस रफ भी है, यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन भी लगेगा, तो इसकी टेंडेंसी जो होगी वो राइट पर स्लिप करने की होगी, तो इसकी टेंडेंसी किस तरफ स्लिप करने की होगी, राइट पर, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे जो लगेगा वो लेफ्ट पर, इसकी टेंडेंसी डाउनवर्ड स्लिप करने की होगी, यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो किसमें लग जाएगा, अपवर्ड, अपवर्ड, तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में ये सारे फोर्सेस होंगे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे टोटल कॉन्टेक्ट फोर्स कितना है, वो एन वन और एफ वन का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट, यहाँ पे टोटल कॉन्टेक्ट फोर्स कितना है, तो एन टू और एफ टू का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट, ये सारे फोर्स हो जाएंगे, ऑब्वियस बात है, रॉड जो है वो रेस्ट करेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोल सकता, टी इज द टेंशन हाँ, कॉन्टेक्ट फोर्स इज बेसिकली वेक्टर सम ऑफ द नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, बिल्कुल सही है, कॉन्टेक्ट फोर्स हमेशा जिस भी कॉन्टेक्ट की हम बात करते हैं उसमें फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फोर्स का रिजल्टेंट, इस कॉन्टेक्ट का जो कॉन्टेक्ट फोर्स अलग हो सकता है, इस कॉन्टेक्ट का कुछ अलग हो सकता है, एंड दिस इज द टेंशन फोर्स, यहाँ पे भी है, ये क्या हो सकता है, आपका टेंशन फोर्स, ये भी है, वो क्या हो गया, बेसिकली आपका टेंशन फोर्स। सर ये बॉडी रेस्ट पे कैसे आ गई, कैसे पता लगेगा, दिया था क्वेश्चन में, दिया हुआ मतलब सिचुएशन में दिया हुआ है कि रेस्ट पे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो रेस्ट पे, रिया क्या पूछ रहे हो आप, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन आर, आर क्या चीज है, With R, with R क्या? R है क्या? तब वो rod पूछते हैं शायद, rod। हाँ वो rod लिखा हुआ है, ये actually rod है। Free body diagram of rod। What is it? Free body diagram of rod। ये rod है ना? Free body diagram of rod का हम plot करते हैं। और ये rod जो है वो rest पे दिया हुआ है। रेस्ट पे ऐसे कर दिया, हम रख सकते हैं ऐसे किसी रॉड पे ऐसे टिका के रख, तो ये सारे फोर्सेस, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, ये इसका क्या आ गया, जैसे कि आपका फ्री बॉडी, तो हमेशा हम एक बहुत सही फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, हमेशा हम क्या सीखेंगे, जैसे कि आपकी बहुत सही फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट। कॉन्टैक्ट फोर्स ड्रॉइंग करें, नहीं नहीं देखो, जब हम कंपोनेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो रिजल्टेंट पे ड्रॉ नहीं करते,
और रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं तो कंपोनेंट ड्रॉ नहीं करते, ये ध्यान रखना, दोनों को एक साथ ही ड्रॉ। अगर आप एफ वन एन वन को लिख रहे हो तो फिर इसका आर वन मत लिखो, और अगर आर वन लिख रहे हो तो फिर एन वन एफ वन, यूजली हम कंपोनेंट फॉर्म में छोड़ते हैं, उसी के तो कंपोनेंट है, एक चीज को दो बार ड्रॉ करो, उसी के तो कंपोनेंट्स है, आर वन लिख मत, बहुत सही क्वेश्चन आपने किया। जैसे कि कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि फ्री बॉय डायग्राम में बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, जैसे किसी ने आपसे बोला कि ये कोई इंक्लाइन प्लेन है एंड दिस एंगल इज सपोज थीटा, इस तरह की चीज को हम क्या बोलते हैं, इंक्लाइन, इंक्लाइन, और इसके ऊपर आपने कोई ब्लॉक रख दिया m मास है ना, और बोलते हैं कि ये सरफेस रफ है और ये ब्लॉक रफ सरफेस पे रह सकते दिया हुआ, ये ब्लॉक सरफेस जो है, ये ब्लॉक जो है सरफेस पे क्या रह सके आपका रह सकता, तो आपसे बोला जाता है स्मॉल m के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्स होंगे, है ना, तो आपको तो एक वेट तो लगेगा ही लगेगा, अर्थ तो अपना काम करेगी, वेट तो सीधे लगा, वेट नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, हाँ ये लगेंगे वेट नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, देखो सही, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, ये कॉन्टेक्ट सरफेस है तो कॉन्टेक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर एक नॉर्मल, तो कांटेक्ट फोर्स प्रैक्टिकली भी लगता है, हाँ कांटेक्ट फोर्स प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली लगता है लेकिन उसको फ्री बॉडी डायग्राम में हम प्लॉट नहीं करते हैं, वो इसलिए नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट ही तो होता है, कोई अगर कंपोनेंट आप बना रहे हो तो रिजल्टेंट को नहीं प्लॉट लगता है, कौन वेट नॉर्मल, अरे कांटेक्ट फोर्स कोई अलग फोर्स नहीं है, वो नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट ही, उसको हमने एक नाम दे दिया, ये नॉर्मल लग गया और इसकी टेंडेंसी नीचे स्लिप करने की है, ऊपर डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, एक फ्रिक्शन, यहाँ पे क्या लग जाएगा सर, आपके एक फ्रिक्शन, तीन फोर्स लग गए, वेट फ्रिक्शन नॉर्मल, और अगर ये रेस्ट पे है तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग इन तीनों का सम क्या होगा, जीरो, जीरो, हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो एम जी वैक्टर प्लस फ्रिक्शन प्लस नॉर्मल इन तीनों का सम, इधर रेस्ट पे इन तीनों का सम क्या होगा सके आपका जी, अब स्टूडेंट गलती क्या करता है ना, ये इसमें कंप्लीट हो गया, इसमें तीन ही फोर्स होंगे वेट फ्रिक्शन एंड नॉर्मल, स्टूडेंट्स क्या करते हैं बोलते हैं अच्छा ये वेट है ना और ये वाला एंगल लेते हैं, ये थीटा है तो ये थीटा होगा और mg को इस तरह से रिजॉल्व कर, ये mg cos theta आ गया और इसका यहाँ पे कंपोनेंट जो होगा वो आपका mg sin theta, तो अगर वैसे रिजॉल्व करके अगर सिर्फ शो कर रहे हो आपको तो सही है, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम में अगर इसको भी आप प्लॉट करो तो गलत, अगर आप mg प्लॉट कर रहे हो मतलब आपको एक कंपोनेंट प्लॉट करने की जरूरत नहीं, इसको आप प्लॉट करोगे, इसको आप यहाँ से वेट ले लिया तो उसके कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं, और अगर कंपोनेंट ले लिया तो फिर रिजल्टेंट लेने की जरूरत है, दोनों एक ही चीज का, तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ थ्री फोर्स, वेट फ्रिक्शन नॉर्मल, और इन तीनों का वेक्टर सम क्या होगा इसके आपको, सर स्क्रीन पे आ रहा है वेक्टर सम तो नहीं, अभी अभी ठीक हो गया, एक्चुअली में आप एक चीज समझ नहीं रहे, कॉन्टेक्ट फोर्स ही फ्रिक्शन ही कॉन्टेक्ट फोर्स है यार, फ्रिक्शन है नॉर्मल का ही कंबाइंड टर्म हम कॉन्टेक्ट फोर्स, कोई अलग फोर्स नहीं है भाई, कॉन्टेक्ट फोर्स नॉर्मल एंड फ्रिक्शन को ही हम कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन का रिजल्टेंट क्या होता है कॉन्टेक्ट फोर्स, अलग से कॉन्टेक्ट फोर्स नाम की कुछ चीज होती है, जस्ट मैंने वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, आप कॉन्टेक्ट फोर्स वर्ड मुझे, नॉर्मल फोर्स लगेगा फ्रिक्शन लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा फ्रिक्शन लगेगा, बस आपको कंफ्यूज, फ्रिक्शन लगेगा नॉर्मल फोर्स, बस
कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब फ्रिक्शन है नॉर्मल पे, जो कॉन्टैक्ट की वजह से रहता है। अगर यहाँ से कॉन्टैक्ट टर्म हटा दें तो नॉर्मल पे जीरो हो जाएगा, फ्रिक्शन भी जीरो। इस चीज को अगर मैं ब्लॉक को इस सरफेस से उठा दूँ तो नॉर्मल पे जीरो हो जाएगा, फ्रिक्शन भी जीरो। वो सिर्फ कॉन्टैक्ट की वजह से ही आ रही है। एक सिचुएशन का बस लीवर डायग्राम मैं और बताऊंगा आपको, मैं उसके बाद हम क्लास होते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है। देखो मैं यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन लेता हूँ जो बार बार आपको यूज होगा। यहाँ पे इस तरह से ये कोई इस तरह का जो वुडन का ब्लॉक होता है इसको हम वेज बोलते हैं। इस तरह की जो चीज होती है वो क्या होती है, इस चीज को हम बोलते हैं वेज। नेम ऑफ दिस थिंग इज वेज। इस तरह से ट्रायंगुलर ब्लॉक कोई चीज का होता है, तो वेज है ना। यहाँ पे हमने एक स्फीयर ले लिया, और ये कोई होल यहाँ पे क्या बेसिकली आपको कोई होल, ऐसा ऐसा सिचुएशन है। दिस इज अ वॉल है ना, ये स्फीयर है इसका मास m1 है, ये वेज है इसका मास m2 है। कुछ सिचुएशन वेज m2 मास, स्फीयर m1 मास, यहाँ पे वॉल है, सिर्फ एक जगह पे फ्रिक्शन। This floor is only rough. सिर्फ ये फ्लोर रफ है, बाकी हर जगह पे कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड सिस्टम इज स्टेशनरी। सिस्टम क्या है आपका, स्टेशनरी दिया हुआ है, हर चीज दी हुई है आपको। ये फ्लोर इसका रफ है, ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि प्लॉट द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द स्मॉल, है ना, कि भाई स्मॉल एम के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेस होंगे और वेज के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेस होंगे, कि स्मॉल एम में कौन से होंगे। हाँ बेटा आरुषि, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन होता है, भाई कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में होती है तो वेक्टर में आपने पढ़ा हुआ है, तो उसका जो वेक्टर सम होता है वो क्या होता है, इसलिए आपका जीरो होता है। वेक्टर में पढ़ा हुआ है हमने, हो सकता है आपने वेक्टर में बहुत ज्यादा क्लास छोड़ी होगी। तो हम जानते हैं इक्विलिब्रियम में जो आपने साइन लॉ पढ़ते थे, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर जीरो अगर हो, उसके रिगार्डिंग साइन लॉ हम डिस्कस करते थे, वही चीज है। अगर ये रेस्ट पे है तो इन तीनों का वेक्टर सम क्या होगा, जीरो। अब इसमें आपसे बोला जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम स्मॉल एम का क्या, वैसे तो अलग बनाना चाहिए लेकिन नहीं यही बना। देखो एक तो सीधे सीधे स्फीयर के फ्री बॉडी डायग्राम क्या आ जाएगा, अभी आउट ऑफ फोकस हो गया mg। एक सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, वेट आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, फोर्स नॉर्मल, एक आपका नॉर्मल फोर्स, यहां से नॉर्मल फोर्स लेफ्ट पर, क्योंकि यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, अगर फ्रिक्शन होता तो यहाँ फ्रिक्शन भी होता, मैंने बोला सिर्फ ये सरफेस। और एक इस कॉन्टैक्ट का भी तो नॉर्मल होगा, यस सर, ये टुवर्ड्स द टेंजेंट है, इसके ऊपर एक नॉर्मल है, इसे तीन ही फोर्स होंगे, वे एंड वन एंड सिक्स फोर्स भी तो होगा, कौन सा फोर्स, जो वेज से स्लिप कर रहा होगा स्फीयर, वो नहीं कहीं पे फ्रिक्शन नहीं है ना बेटा, फ्रिक्शन तो कहीं है ही नहीं, मैंने बोला ना यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है ना यहाँ पे फ्रिक्शन, कौन सा फोर्स होगा, वेट लगेगा, यहाँ पे कांटेक्ट है एक नॉर्मल फोर्स से कर लेते, यहाँ पे कांटेक्ट है एक नॉर्मल फोर्स से, बस मुझे एक ही फोर्स है और कोई फोर्स है ही नहीं। अब अगर मैं प्लॉट करूँ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द वेज, आपसे कोई पूछता है कि आप वेज का फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट, हाँ अगर हम बात करें इसलिए आपका फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ वेज, तो वेज को आप अलग से प्लॉट कर लो, वैसे वहां भी कर सकते हैं, तो हम आपको बाकी चीजों को भूल के सिर्फ वेज पे कंसंट्रेट,
मैच का वेट एम टू जी नॉर्मल कितना रहेंगे, एक यहाँ का नॉर्मल रहेगा, ये नॉर्मल हो जाएगा एम टू और एक स्पेयर के सरफेस, बिल्कुल सही है ये एम टू है क्योंकि इस एक्शन के इसके ऊपर रिएक्शन होगा ना, ये तो एक्शन रिएक्शन है, अगर वेज स्फीयर के ऊपर एंटू फोर्स लगा रहा है तो ये स्फीयर भी वेज के ऊपर एंटू फोर्स से अपोजिट सरफेस से ब्लर हो गया बहुत ब्लर हां अभी ठीक है आपका गया m2g n3 n2 है ना, और कौन सा फोर्स होंगे इसमें, फ्रिक्शन बाकी कहीं पे फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन है ही नहीं, इसमें सरफेस पे वॉल पे फ्रिक्शन है, इसमें एक फ्रिक्शन लग जाएगा, फ्रिक्शन की क्या डायरेक्शन होगी सर, टुवर्ड्स द वॉल, टुवर्ड्स वॉल, टुवर्ड्स पे क्योंकि इसकी स्लिपिंग की टेंडेंसी लेफ्ट साइड स्लिप ही लेफ्ट साइड करना चाहेगा ना, फ्रिक्शन तो उसको रोक रहा है तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन, बस यही आपको जानना और कुछ नहीं जानना, वेस्ट में कौन कौन से फोर्स रहेंगे, वेट वॉल का नॉर्मल वेज का नॉर्मल और ये नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होगा, तो है ही किसी भी सर्कल का नॉर्मल सेंटर से पास होता है, नॉर्मल सेंटर से पास, वेज में करेंगे तो वेज का अपना वेट, स्फीयर का नॉर्मल, फ्लोर का नॉर्मल, और सर इसमें एन वन कहीं नहीं आएगा, इसमें क्या चीज सर, वेज में, वेज में क्या नहीं आएगा, नहीं आएगा नहीं, नहीं n1 को वैसे क्या मतलब है, क्या वेज के साथ कहीं भी ये फ्लोर कांटेक्ट में आ रही है, वॉल कांटेक्ट में है क्या, इस वेज और वॉल में कोई कांटेक्ट है नहीं ना, कैसे है n1 का कुछ इफेक्ट इनडायरेक्टली लग सकता है इसको, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम में उसको कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हम उसको प्लॉट नहीं करेंगे क्योंकि ये वॉल अलग है, ये वेज अलग है, इस वॉल और वेज में कोई कांटेक्ट है, थ्रू स्फीयर ही कांटेक्ट में है ना, वो ऐसा है, तो जस्ट आपको ये अभी आना चाहिए हाउ टू प्लॉट द फ्री बॉडी, आज तो थ्योरी पढ़ा हमने, कोई मैथमेटिक्स पे नहीं है, तो यू हैव वन मोर वीक टू कंप्लीट योर काइनेमेटिक्स टॉपिक ना, तो अभी आपको इसको बस जस्ट एक बार रिवाइज कर लेना, अभी डोंट गो इनटू इट, बहुत ज्यादा इसके ऊपर मत जाओ, रवि मैंने आज पढ़ाया उसको जस्ट एक बार रिवाइज कर लो, मॉडल वगैरह में क्या थी सब क्रिटिकल पोर्शन है ना, और इस वीक में काइनेमेटिक्स की पढ़े, लेकिन इस वीक में आपका एम होना चाहिए कि पूरा काइनेमेटिक्स आप कंप्लीट कर, है ना, जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने टारगेट बनाया है, रवि मैं मॉडल पूरा कर लूंगा, मॉडल पूरा कंप्लीट कर, एनसीईआरटी में पूरा कर लूंगा, एनसीईआरटी पूरा सर, जिसने भी जो अपना टारगेट सेट किया सर इस वीक में उसको कंप्लीट कर सर, आप अगर इसी डाउट का रखवा रहे हैं थोड़ा लेट रखवाइएगा, क्या चीज सर, अगर आप इसी डाउट क्लास रखवा रहे हैं तो सर फ्राइडे या थर्सडे को रखवा दीजिएगा, अब देखता हूं बेटा, मैं देखता हूं, हां वो सही बोल रहा हूं, लेकिन क्या ना एक बार देख लेते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो रखवा देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, डाउट्स कोई ऐसा थोड़ी बंद हो जाए, नहीं सर अगर आप रखवाए तो थोड़ा सर फ्राइडे उसको ही रखवाइएगा, मतलब इतनी जल्दी नहीं, अगर आप रखवाए चेक कर टाइम टेबल के हिसाब से वो फिक्स ही होता है, मैं देख लूँ अगर पॉसिबल होगा तो रखना, दो बैच में इंटरचेंज, दैट इज ऑल फॉर टुडे, ये सब चीजों को रिवाइज करके, थैंक यू सर।